हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 की जो रिपोर्ट आई हुई है, इसी से संबंधित ये आपका टॉपिक है। देखेंगे कि चर्चा में आखिर क्यों है अभी, और वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन होता क्या है, इस पर भी बात करेंगे हम लोग। क्या है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, और इस रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदु भी देखेंगे हम लोग। एक बात हमेशा याद रखिए, आपके जितने भी संगठन थे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो फिर चाहे राष्ट्रीय संगठन हो, WHO, यूनेस्को और भी आपके जो भी संगठन है, सभी मैं कवर कर चुका हूँ। तो इसलिए उन्हें आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छे से डिटेल से हम लोगों ने बात की हुई है। महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO द्वारा हाल ही में वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन जारी किया गया है। क्या होता है आखिर वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन? वैश्विक स्तर पर यानी कि विश्व के स्तर पर वन संसाधनों की स्थिति और रुझानों को प्रदर्शित करने हेतु वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के तहत वानिकी विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह रिपोर्ट सभी सदस्य देशों के लिए वनों का स्तर, उनकी स्थितियां और प्रबंधन का आकलन करती है, और वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट में वैश्विक यानी कि विश्व के स्तर के वन क्षेत्र संबंधी आंकड़ों के साथ साथ कई अन्य निष्कर्षों यथा वन संरक्षण के लिए कानूनी व संस्थागत ढांचा, स्थायी वन प्रबंधन, भूमि का स्वामित्व, भूमि तक पहुंच का अधिकार, वन क्षेत्र में शुद्धि वृद्धि या हानि, प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित वन इत्यादि को प्रकाशित किया जाता है। यानी कि पूरा आप समझिए कि वन के आसपास इन्हीं के इन्हीं को आधार बनाया जाता है। फिर चाहे आपका देखिए संस्थागत ढांचा हो, कानूनी ढांचा हो, या स्थायी वन हो, प्रबंधन हो, भूमि का स्वामित्व हो, भूमि तक पहुंच का अधिकार हो, जो वन क्षेत्र है इनमें वृद्धि हो रही है या हानि हो रही है, कमी हो रही है, इसके बारे में भी, प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित वन, इन्हीं को शामिल इस रिपोर्ट में किया जाता है। अगर इस संगठन की हम लोग बात करें तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेषीकृत एजेंसी है, यूएन की एक विशेषीकृत एजेंसी है। AFO की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत 16 अक्टूबर 1945 को कहाँ, कनाडा में हुई थी। 16 अक्टूबर 1945 को कनाडा में हुई थी। 1951 में इसका मुख्यालय वॉशिंगटन से रोम चला गया। पहले ये वॉशिंगटन में था, इसके बाद ये अब रोम चला गया। वर्तमान में FAO में 197 सदस्य, जिनमें से आपके 194 देश हैं, एक संगठन है और दो संलग्न सदस्य इसमें शामिल हैं। एक बार मैप पे चलिए आप लोग, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें हमारा प्यारा भारत हो गया है, ठीक है। और अभी आप देखें, अगर अभी इसका अगर जो मुख्यालय है उसकी बात करें तो ये है रोम, देखिए इटली में, ठीक है। और पहले अगर मुख्यालय जब इसकी स्थापना हुई थी कनाडा में, तब उस समय की अगर मुख्यालय की बात करें हम लोग, तो ये है आपका कनाडा, कहाँ है, ये कनाडा है, ठीक है। वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय था। आपको मालूम है कि यूनाइटेड स्टेट्स की स्टेट की राजधानी है वॉशिंगटन, ठीक। FAO ज्ञान और जानकारियों के आदान प्रदान करने का मंच भी है। FAO सरकारों एवं विभिन्न संस्थाओं को कृषि, पर्यावरण, पोषक तत्व, वन की, मत्स्य पालन, भूमि व जल संसाधनों और फूड सिक्योरिटी के बारे में भी जानकारी देता है। यह सरकारों एवं विभिन्न संस्थाओं को उपयुक्त क्षेत्रों जैसे यथा कृषि हो गया, पर्यावरण, पोषक तत्व, वानिकी, मत्स्य पालन, भूमि व जल संसाधनों आदि में तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है और शोध कार्य भी करता है। इस संगठन का उद्देश्य यही है, वन खाद्य उपलब्ध कराना या खाद्य पर जो भी रिसर्च है या तकनीकी सहायता देना, यही काम इसका मेन काम है। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 में जो रिपोर्ट आई है, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की अगर बात करें तो पिछले एक दशक यानी कि 2010 से 2020 में के बीच में वन क्षेत्रों में वृद्धि करने वाले शीर्ष 10 देशों में भारत को तीसरा स्थान मिला हुआ है। FRA 2020 के अनुसार 2010 से 2020
के दौरान वन क्षेत्र में सबसे अधिक औसत वार्षिक वृद्धि करने वाले शीर्ष 10 देश है। याद रखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि इसमें आप टॉप 3 तो याद कम से कम रखिए, क्योंकि इन्हीं में आपका भारत का नंबर है, तो इससे पूछा जाता है। जैसे चीन हो गया, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चिली, वियतनाम, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली, रोमानिया। इसमें आप भारत की स्थिति बता देता हूँ आपको। ये है हमारा प्यारा भारत, एशिया में ये हमारा प्यारा भारत हो गया, ये चीन हो गया आपका, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये आपका वियतनाम हो गया, और यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करें, फ्रांस से वही है फ्रांस जो अभी आपने जो रफेल खरीदे हुए, ये संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, यूनाइटेड स्टेट। उच्चारण करने में कभी कभी कई शब्द ऐसे होते हैं, इटली बात ही देखते रहिएगा, ठीक है। पूरा मैप्स आप लोग कभी इस तरह के मैप्स में, ये आपका मैप्स बढ़िया है मुझे लगता है, क्लियर मालूम चल जाता है आपको। तुर्की ये है आपका, इटली के बारे में बता ही चुका हूँ, फ्रांस, रोमानिया देख लीजिए। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले एक दशक में एशिया महाद्वीप वन क्षेत्र में सर्वाधिक शुद्ध वृद्धि की दर्ज की गई है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये है आपका एशिया, देखिए चीन इसमें, मंगोलिया, रूस, नेपाल, भारत, म्यांमार, ये सभी आपके एशिया में शामिल किए जाते हैं। यहाँ आपका सऊदी अरब, ये सभी आप देख रहे हैं, तुर्की तक। तुर्की देखिए, तुर्की और रूस ऐसा देश है कुछ कि जो यूरोप में भी पड़ते हैं, महाद्वीप में और एशिया महाद्वीप में भी पड़ते हैं, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया ही है, तो सबसे ज्यादा वृद्धि आपकी कहाँ देखी गई है, एशिया में। पिछले एक दशक में एशियाई जंगलों में प्रति वर्ष 1.17 मिलियन हेक्टेयर शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई है। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया महाद्वीप में समुदाय प्रबंधित वन क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके लिए एशिया महाद्वीप के विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा चलाए गए संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम को श्रेय दिया गया है। FRA 2020 की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशियाई उप क्षेत्र में वर्ष 1990 से 2020 के दौरान शुद्ध वन हानि दर्ज की गई है। दक्षिण एशियाई की बात की जा रही है, ठीक है। भारत में स्थानीय आदिवासी और देशी समुदाय द्वारा प्रबंधित वन क्षेत्र 1990 में शून्य से बढ़कर 2015 में आपका 25 मिलियन हेक्टर हो गया है। हालांकि जो अभी नई रिपोर्ट आई हुई है, इसमें भारत के लिए नकारात्मक बात यह बताई गई कि यह प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित वन दर निराशजनक है। भारत में 2010 से 2020 के दौरान प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित वन में वृद्धि की दर केवल 0.38% थी, जो काफी कम है। भारत ने दुनिया में वन की क्षेत्र में काफी अधिक रोजगार उपलब्ध कराए हैं। वैश्विक स्तर पर वन की क्षेत्र में जितने लोग कार्यरत हैं, उनमें से करीब आपके 50% का हिस्सा भारत का है, यानी कि टोटल में से भारत आपका 50% है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने वन क्षेत्र में 0.38% वार्षिक वृद्धि किया है, यानी कि 0.38% हर वर्ष वृद्धि की है। दूसरे शब्दों में यहाँ औसतन हर वर्ष 2,66,000 हेक्टेयर की वन वृद्धि हुई है। आगे की राय क्या हो सकती है? वन किसी भी देश के लिए प्राकृतिक संपदा होते हैं, अतः इनके संरक्षण हेतु न सिर्फ सरकार को बल्कि आम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों की वजह से वनों का संरक्षण और भी प्रासंगिक हो गया है। पूरे विश्व के संतुलन और सतत विकास के साथ पृथ्वी के अस्तित्व के लिए वनों के संरक्षण हेतु सभी देशों को संयुक्त रूप से प्रयास करना होगा। इस दिशा में वन संरक्षण के लिए कानूनी व संस्थागत ढांचा, स्थायी वन प्रबंधन, भूमि का स्वामित्व, भूमि तक पहुंच का अधिकार इत्यादि को सुनिश्चित करते हुए सरकार को वनों के संरक्षण में स्थानीय और आदिवासी लोगों को शामिल करने पर प्रमुख रूप से ध्यान देना चाहिए। और हम लोग भूल जाते हैं अक्सर, आप सोचिए कि आप लोग ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे हैं, वनों से ही तो आ रही है, पेड़ों से ही हमारे पास ऑक्सीजन आती है। आप सोचते हैं कि सोचिए कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन आप ले रहे हैं, आप उसका उपयोग करके CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बदल रहे हैं, उन्हें कौन ले रहा है, पेड़ ले रहे हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि वापस आपको ऑक्सीजन एक चक्र पूरा बना हुआ है। आप सोचिए चक्र में से अगर आप सोचिए पेड़ों को गायब करते हैं, तो आप जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, एक कहाँ जाएगी,
कौन लेगा इसे, कौन मतलब ऑक्सीजन में बदलेगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपके जो हमारे फेफड़े हैं, एक हिस्सा इनका हमारे शरीर के अंदर है, दूसरा पेड़ों पर है। कि मतलब हम एक काम कर सकते हैं, एक काम अंदर हो जाता है शरीर के, एक दूसरा काम हमारा शरीर के बाहर होता है। तो पेड़ बहुत जरूरी हैं, और आज देख रहे हैं किस तरह से पेड़ों का विनाश किया जा रहा है। आप भी जानते हैं, एक समय हुआ करता था कि आपके आसपास देखते थे हम लोग कि पेड़ ही पेड़, और आज क्या किस स्थिति में पहुंच गए हम लोग देख सकते हैं। चलिए, जब भी आपका जन्मदिन हुआ करे, कोई खुशी का माहौल है, कुछ बड़ा कर रहे हैं आप लोग, तो एक पेड़ लगा दीजिए याद में, क्या फर्क पड़ता है। और जन्मदिन तो मुझे लगता है बेहतर तरीका है पेड़ लगाने का, कि कम से कम अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगा दिया, ठीक है।